आदाबर्ज़ नाज़रीन, मैं हूँ तैयब ज़फ़र और आप देख रहे हैं ए फॉर यू टीवी। इन दिनों महाराष्ट्र में जो बात चर्चे में है वो ये है कि रक्षा ड्राइवरों को और रक्षा चलाने वालों को महाराष्ट्र सरकार की जानिब से 1500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अगर हम उसके नियम को देखते हैं तो उसके अंदर परमिट का जो एक रूल है कि परमिट वाला रक्षा होना चाहिए और परमिट मालक के नाम पर होता है, तो लोग इसमें कंफ्यूज में हैं। कई ड्राइवरों का यह सवाल है कि हम चालक लोग हैं, हम किराए की गाड़ी चलाते हैं, क्या यह पैसा हमको भी मिलेगा? तो एक मसला ये अहम है कि मालक के साथ चालक को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि रक्षा चलाने वाले सतह गुरबत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि एक तरफ दिल्ली सरकार है, वह अपने हिस्से से 5000 रुपये रक्षा ड्राइवरों को देती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार है जो अभी ऐलान करती है कि 1500 रुपये रक्षा ड्राइवरों को दिए जाएंगे। तो इन दोनों मुद्दों के अंदर एक चीज़ हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये दोनों पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, दोनों पैसा देना स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन एक तरफ जब दिल्ली सरकार को हम देखते हैं तो उसका अमाउंट जो है तो 5000 हो जाता है, दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र सरकार को देखते हैं तो इसका अमाउंट 1500 रुपये हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी सेंट्रल के अपोज में चलती है। महाराष्ट्र सरकार, मैं मुबारकबाद दूंगा गाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की, इन्होंने एक अच्छी पहल की है, लेकिन ये अमाउंट इतना कम क्यों? ये अमाउंट बढ़ेगा कब? नंबर दो बात यह है कि ऑनलाइन का सिलसिला है और ऑनलाइन के अंदर रक्षा चालकों या रक्षा मालकों के अकाउंट में पैसा आए ना आए ये बात की बात है, लेकिन अभी नेट कैफे वाले 100 रुपये के एतबार से पैसा तो कमा रहे हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। अभी मैं मुबारकबाद दूंगा, चंद पॉलिटिकल पार्टियों ने, चंद सोशल वर्करों ने ये किया है कि फ्री फॉर्म फिलअप करने का काम शुरू किया है, लेकिन कई सारों ने पैसे देकर फॉर्म भर चुके हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, हमको इसके ऊपर सोचना होगा। और ये असल बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी अमाउंट को बढ़ाना होगा और अवाम तक पैसों को पहुंचाना होगा, क्योंकि रक्षा ड्राइवर हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। हम अगर देखेंगे तो हमारी जिंदगियों के अंदर एक बेहतरीन रोल अदा करता है एक रक्षा ड्राइवर। वो आपके बच्चे को स्कूल छोड़ता है, वो आपके वालदैन को आपके घर लाकर छोड़ता है, वो आपको अगर मंडी जाना है तो वो वहाँ पर भी आपको रक्षा ड्राइवर की ज़रूरत है, आपको किसी के घर फंक्शन जाना है तब भी आपको रक्षे की ज़रूरत है, आपको अगर अपने घर से किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है तब भी आपको रक्षे की ज़रूरत है, किसी बीमार को दवाखाना पहुँचाना है तब भी आपको रक्षे की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर रक्षे का एक महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक रक्षे का जो एक रक्षा चालक है हमारे पास, और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर रक्षाओं को और रक्षों के एतबार से कई काम होते हैं। तो हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। जो आदमी 8 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 12 घंटे अपनी सर्विस दे रहा है, रक्षा चला रहा है और पूरी मेहनत के साथ चला रहा है, उसके हाथ में आ क्या रहा है? गुर्बत, कर्ज, उसकी फैमिली के हाथ में क्या आ रहा है? फाका। तो ऐसे हालात को हमको समझना होगा। अवाम से भी अपील है कि वो भी रक्षा चालकों से जो है तो अपनी ज़बान के साथ कम से कम सिला रहमी कर ले, कि उनके साथ नरमी से बर्ताव हो। और हुकूमत का ये काम बनता है कि वो इन गरीबों को, जिनको आज हमने गरीब बना दिए है रक्षा चालकों को, ये खुद कफील लोग थे, लेकिन लॉकडाउन की मार ने जहाँ पर सबको नीचे लाया है वहाँ पर इनको सतह गुरबत से नीचे पहुँचा दिया है। तो हुकूमत का भी काम है 1500 नहीं, इनको कम से कम 10000 रुपये हर महीना दिया जाए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी मुद्दा चूंकि रक्षा ड्राइवरों का था और एक माहौल पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है, हर कोई रक्षा ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट उठाता है और कैफे, नेट कैफे की तरफ भागना शुरू करता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 1500 रुपये तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन उस 1500 पाने के लिए उसे जीरोक्स वाले को पैसा देना है, उसे जो है तो नेट कैफे वाले को पैसा देना है और दूसरे अखराज है, हो सकता है आखिर में उसके हाथ में 1000 से 1200 पे पहुंच जाए और वो उसको ही नेमत समझ रहा है। लेकिन एक फैमिली को रोजाना कम से कम अखराजात अगर हम देखेंगे तो 1000 रुपए से ज्यादा होते हैं। तो महाराष्ट्र हुकूमत को चाहिए कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करे। हम आपके फैसले का इस्तकबाल करते हैं कि आपने कुछ तो पहल की,
जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, शायद उन्होंने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई होगी। लेकिन आपको तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बराबर से साथ नहीं मिला और इसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आपने अपने तौर पर जो है तो एक हिम्मत दिखाई है, हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अपनी हिम्मत को और बढ़ाएं और रक्षा ड्राइवरों को इसी तरह किराना की दुकानें वाले, हाथगाड़ी वाले हैं और दूसरे छोटे मोटे कारोबार करने वाले, इनकी हिम्मत पस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं अभी खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। तो इस माहौल को रोकना होगा और महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन है कि वो भले ही शराइत के साथ हो, लेकिन अब लॉकडाउन खोले, कारोबार खोले, ताकि आम आदमी अपना पेट खुद भर सके। थैंक यू वेरी मच।